वेलकम यू ऑल, माई सेल्फ मिस्टर संदीप एन बडेलिया एंड टूडे वी विल डिस्कस अबाउट मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इन योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी आस्क इन दिस मैनर दैट डिफाइन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस। तो उस क्वेश्चन में आपको क्या आंसर देना है, यू हैव टू डिफाइन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसके बाद आपको मेजर फिजियोलॉजिकल जो भी आयन है उनके फंक्शन आपको दिखाने हैं। सो व्हाट इज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड? द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, तो सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होता है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल दैट इज नोन एज इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो है वो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड बोलते हैं। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, तो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, दैट इज नॉन एज एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल इन द इंटरस्टिटियल फ्लूइड, तो दो सेल के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल फ्लूइड, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड इन द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, तो वो इंटरस्टिटियल फ्लूइड एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो दिज आर द डेफिनेशंस ऑफ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। नाउ इलेक्ट्रोलाइट्स, उसके मेजर फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स दैट प्रेजेंट इन बॉडी कैन परफॉर्म a variety of function. For example, they control osmosis of water that is present in between the body compartment. तो body compartment के बीच में जो भी water है उसका osmosis है वो control करता है. They can maintain the acid-base balance that is needed for normal cellular activities. ये जो electrolytes हैं ये acid-base balance को maintain करते हैं. They can control the secretion of hormones and neurotransmitters. तो hormones and neurotransmitters उनका secretion ये electrolyte control करते हैं. So these are the various main function of electrolyte. Now we will discuss each and every electrolyte and their major functions. Now major physiological ions that can perform various functions are like, फर्स्ट वन इज सोडियम। सोडियम कंस्टिट्यूट्स अबाउट 90% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन। तो एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन जितने भी है उसमें से मेन पोर्शन 90% जितना सोडियम प्रेजेंट है। इट एसोसिएट्स विथ क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट, तो क्लोराइड और बाइकार्बोनेट के साथ मिलके इट रेगुलेट्स एसिड बेस इक्विलिब्रियम, ये एसिड बेस इक्विलिब्रियम रेगुलेट करता है। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर ये सोडियम मेंटेन करता है। इट प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, सोडियम के कारण बॉडी के अंदर से फ्लूइड लॉस नहीं होता। इट प्रिजर्व्स परमीएबिलिटी ऑफ सेल, सेल की जो परमीएबिलिटी है ये सोडियम उसको प्रिजर्व करता है। इट ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स इन नर्व फाइबर, तो नर्व फाइबर के अंदर नर्व इम्पल्स जो है उनका ट्रांसमिशन ये सोडियम के कारण होता है। दिज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ सोडियम आयन। सेकंड इज पोटाशियम। पोटाशियम इज द मोस्ट अबंडेंट कैटायन दैट इज प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, तो सोडियम जो था वो एक्स्ट्रासेल्युलर मेन कैटायन था, पोटेशियम जो है वो मेन कैटायन है बट इट इज प्रेजेंट इन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। नाउ फंक्शंस ऑफ पोटेशियम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल स्पेशली कार्डियक मसल, तो मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए और स्पेशली कार्डियक मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए ये पोटेशियम नेसेसरी है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन जो है वो पोटेशियम के कारण होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ वेरियस बॉडी फ्लूइड, वेरियस बॉडी फ्लूइड है उनका जो इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन है
उसके मेंटेनेंस के लिए पोटेशियम जरूरी है। इट कैन परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनसाइड दिस सेल। तो सेल के अंदर बायोलॉजिकल एक्टिविटी जितनी भी है ये पोटेशियम के कारण परफॉर्म होती है। इट रेगुलेट्स द पीएच बाय एक्सचेंज अगेंस्ट हाइड्रोजन आयन। तो सेल के अंदर की जो पीएच है ये पोटेशियम मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। कैसे? बाय एक्सचेंज विद द हाइड्रोजन आयन। सो दिज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ पोटेशियम आयन। थर्ड वन इज कैल्शियम। कैल्शियम इज मेनली फाउंड इन बॉन्स एंड रिमेनिंग फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो मेनली कैल्शियम जो है वो बॉन्स के अंदर पाया जाता है और रिमेनिंग अमाउंट है दैट कैन बी फाउंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। नाउ फंक्शंस ऑफ कैल्शियम आयन। इट कंट्रोल्स एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व। तो नर्व की एक्साइटेबिलिटी है उसको कंट्रोल करता है। इट इज नेसेसरी फॉर इंटीग्रिटी ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स की इंटीग्रिटी है, उनकी हार्डनेस जो भी है ये कैल्शियम के कारण है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए ये कैल्शियम जरूरी है। पर कैसा कैल्शियम? आयोनाइज्ड कैल्शियम इज नेसेसरी। इट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ टोन एंड कॉन्ट्रेक्टिलिटी ऑफ हार्ट। तो हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी और कार्डियक टोन उसके मेंटेनेंस के लिए ये कैल्शियम जरूरी है। इन बॉडी इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम इंक्रीजिज। तो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन जब भी बढ़ जाए इट कैन क्रिएट डिप्रेसेंट एक्शन। तो ऐसी कंडीशन में ये कैल्शियम एंटीडोट का काम करता है। इट इज एंटीडोट फॉर डिप्रेसेंट एक्शन ऑफ पोटेशियम। स्टमक के अंदर मिल्क का कोएगुलेशन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिन। रेनिन काम करता है कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इन द स्टमक। कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम हेल्प्स द रेनिन टू इंक्रीज इट्स फंक्शन। कैल्शियम हेल्प्स द रेनिन इन द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क इन द स्टमक। कैल्शियम इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर क्लोटिंग ऑफ ब्लड। तो ब्लड के क्लोट के लिए ये कैल्शियम नेसेसरी है। कैल्शियम डिक्रीजेस सेलुलर परमिएबिलिटी। सेलुलर परमिएबिलिटी डिक्रीज करता है। कैसे? बाय एक्टिंग एज एन इंट्रासेलुलर सीमेंट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन टिश्यूज एंड बॉन्स। तो टिश्यू एंड बॉन उनके फॉर्मेशन के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। सो दिज आर द वेरियस फंक्शन ऑफ कैल्शियम आयन। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज कंसिडर्ड एज सेकेंड मोस्ट कॉमन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसमें से सेकेंड मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इज मैग्नीशियम। नाउ फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। इट एक्टिवेट एंजाइम्स दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबोलिज्म। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मेटाबोलिज्म के लिए जितने भी एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है उनको एक्टिवेट करता है। इट इज इम्पोर्टेंट इन मायोकार्डियल फंक्शन। मायोकार्डियल फंक्शन के लिए भी मैग्नीशियम इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी। न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है। इट रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप सिस्टम। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप दैट इज प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक सेल। सो ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप उसकी एक्टिविटी वो रेगुलेट करता है मैग्नीशियम। सो दिज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। नेक्स्ट इज क्लोराइड आयन। द मेन सोर्स ऑफ क्लोराइड आयन इज द कॉमन सॉल्ट दैट वी आर यूजिंग इन कुकिंग। इट इज नॉट हैविंग मच फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बट सम फंक्शंस आर देयर। तो क्लोराइड आयन के जो फंक्शन है, क्लोराइड आयन अलोंग विद सोडियम आयन इट कैन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस बिटवीन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। तो सोडियम आयन्स के साथ मिलके
ये ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है कहाँ पर, बिटवीन डिफरेंट बॉडी फ्लूइड्स। क्लोराइड आयन कैन मेंटेन चार्ज बैलेंस बिटवीन बॉडी फ्लूइड। तो क्लोराइड आयन जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर चार्ज बैलेंस मेंटेन करता है, फॉर एग्जाम्पल बिटवीन इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स। इट कैन टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के फॉर्मेशन के लिए भी क्लोराइड आयन नेसेसरी है। इट कैन टेक पार्ट इन एसिड बेस बैलेंस, तो ये एसिड बेस बैलेंस के लिए भी जरूरी है। दिज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ क्लोराइड आयन। नेक्स्ट इज सल्फेट आयन। दे आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज इन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो ये सल्फेट आयन्स है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, और कहाँ पर, प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। दे प्ले वाइटल रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म। डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म मतलब क्या है, बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल है उनको डिटॉक्सिफाई करने की जो मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म। तो उसमें ये प्रोसेस के अंदर, ये मैकेनिज्म के अंदर ये सल्फेट वाइटल रोल प्ले करते हैं। SH कंटेनिंग कंपाउंड्स, SH मतलब थायोल, थायोल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इम्पोर्टेंट इन टिश्यू रेस्पिरेशन। तो टिश्यू रेस्पिरेशन के लिए भी ये सल्फेट कंटेनिंग कंपाउंड नेसेसरी है। नेक्स्ट इज बाइकार्बोनेट आयन्स। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनायन दैट इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो सेल के बाहर जो भी फ्लूइड है उसके अंदर ये बाइकार्बोनेट, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनायन एलोंग विथ कार्बनिक एसिड। कार्बनिक एसिड के साथ मिलके इट कैन एक्ट एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम इन द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो ये कार्बनिक एसिड के साथ मिलके एक इम्पोर्टेंट बफर सिस्टम बनाता है, और उसका रोल क्या है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। डेफिशियंसी ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन कम हो जाए तो ब्लड की पीएच डिक्रीज होती है बिलो 7.25। 7.25 से भी ब्लड की पीएच कम हो जाएगी, दिस कंडीशन इज नॉन एज मेटाबोलिक एसिडोसिस। तो उस कंडीशन को बोलेंगे मेटाबोलिक एसिडोसिस। वेर एज एक्सेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट आयन अगर बढ़ जाए तो उस कंडीशन में पीएच इंक्रीज हो जाएगी, दिस कंडीशन इज नॉन एज मेटाबोलिक अल्कलोसिस। तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटाबोलिक अल्कलोसिस। दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन्स। नेक्स्ट इज फॉस्फेट आयन। मेन डाइटरी सोर्स फॉर फॉस्फेट इज मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट एंड नट्स। तो मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट और नट्स के अंदर ये फॉस्फेट हमें मिल सकते हैं। फॉस्फेट्स आयन सच एज डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड फॉस्फेट, दिस थ्री आर द मेन एनायंस ऑफ द इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। ये तीन जो है ये मेन एनायन है दैट इज प्रेजेंट इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। द रेशियो बिटवीन डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट, इट कैन एक्ट एज बफर सिस्टम ऑफ बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड के अंदर ये रेशियो डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड हाइड्रोजन फॉस्फेट, इट कैन एक्ट एज बफर सिस्टम। फोस्फोराइलेशन इज द इम्पोर्टेंट मेटाबोलिक प्रोसेस। फोस्फोराइलेशन है ये इम्पोर्टेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसका रोल क्या है, दैट कैन कन्वर्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू एस्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड को एस्टर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और ये जो प्रोसेस है इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए ये नेसेसरी है। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बॉन्स। ये जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम है इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टीथ एंड बॉन्स। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ फॉस्फेट एज वेल एज दीज आर द वेरियस फंक्शंस ऑफ मेजर फिजियोलॉजिकल आयन्स।
अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अनदर टॉपिक। थैंक यू ऑल।